हेलो एवरीवन, आज द लास्ट लेसन का देखिए, पेज नंबर 5 में थर्ड पैरा देखिए। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्व बा, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टूमोरो, एंड नाउ यू सी वेयर We have come out. Ah, that's the great trouble with ulcers. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. Poor little friends, we have all a great deal. तो रिप्रोच अवर सेल्फ विद, देखिए इसका मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, क्या कहा, क्या सुना मैंने। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंज छोटे फ्रेंज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा, सी हाउ इट इज देखो ये कैसे, ये कैसी बात है, हाउ इट इज सी हाउ इट इज मीन्स ये देखो ये कैसी बात है। एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्व्स, हम प्रतिदिन अपने आप से कहते, क्या कहते थे, बा कहते थे, अरे वाह कहते थे, अरे वाह, बा का मतलब है अरे वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय पड़ा है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा, एंड नाउ यू सी अब तुम देखते हो, अब तुम देखो, यू सी माने तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहां आ गए हैं, यानी हमको कहां लाकर पटक दिया है, कहने का मतलब है। आ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद ऑल्सिस, आ ऑल्सेस के लोगों के साथ ये एक बड़ी समस्या है। ग्रेट ट्रबल का मतलब होता है बड़ी समस्या, विद ऑल्सेस मीन्स ऑल्सेस के लोगों के साथ से मतलब है यहाँ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह यहां पर जो लोग हैं लर्निंग टिल टुमारो यानी कल, कल के पढ़ने के काम को जो है कल तक टालते रहते हैं। puts off learning, she puts off learning till tomorrow, यानी ये कार्य को कल तक के लिए टालते रहते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, अब उन बाहरी लोगों को तुम्हें यह कहने का अधिकार हो जाएगा, कहता है ये क्या होगा, those fellows out there will have the right to say to you, तुमसे ये कहने का अधिकार हो जाएगा, किनका, दोज फेलोज उन लोगों का जो बाहर के हैं। हाउ इट इज क्या कारण है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांस का होने का दिखावा करते हो, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना, तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना यानी दिखावा करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, और तुम न तो बोल सकते हो किसको, फ्रेंच को, नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और न अपनी भाषा लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे खराब व्यक्ति नहीं होगा, पुअर लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच तुम सबसे छोटे सबसे खराब व्यक्ति नहीं हो, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, कि हम सबों के पास अपने आप को लज्जित होने के लिए बहुत कुछ है, कहता रिप्रोच का मतलब होता है यहां पर अपने आप की निंदा करने के लिए, रिप्रोच का मतलब उसे निंदा करना होता है, या अपने आप लज्जित होने के लिए, अपने आप की निंदा करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वी ऑल डिड नॉट हाँ देखिए आगे देखिएगा कहां पहुंचे थे, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व विद, यानी हमको क्या होने के लिए, अपने आप की निंदा करने के लिए, यानी
लज्जित होने के लिए हमारे पास जो है बहुत कुछ है, कहता है, क्योंकि वो कोई भी समय का सदुपयोग नहीं करते थे। दे डिड नॉट यूटिलाइज द टाइम व्हेन दे गॉट इट, जब उनके पास समय था तो उसका यूटिलाइज नहीं करते थे। आगे देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत अधिक बेचैन नहीं थे, कहता है। इनफ, एंग्जियस इनफ, चिंतित नहीं थे या बेचैन नहीं थे। एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित, किसी के प्रति चिंता करना। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे तुम्हें किसी फार्म में या किसी कारखाने में, फार्म का मतलब खेत या मिल कारखाने में काम करने पर लगाना पसंद करते थे। सो एस टू हैव अ लिटिल मोर मनी, इस पर ताकि जिससे कि वो अधिक पैसा कमा सके। लिटिल मोर मनी का मतलब कुछ और पैसा कमा सके। एंड आई, और मैं भी तो, कहता है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी इसमें दोष है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो मीन्स मेरा भी तो दोष इसमें है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैं तुमको पाठ याद करने के बदले पौधों में पानी देने के लिए नहीं लगाता था? Flowers माने फूलों में पानी देने के लिए, instead का मतलब बजाय, याद करने के बजाय फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। I not often, अक्सर नहीं भेजा करता था। And when I wanted to go fishing, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता था, मछली मारने के लिए जाता था, तो मैं ऐसा कर देता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था मैं तब, क्या तुम्हारी मैं छुट्टी नहीं कर देता था। आगे देखिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब क्या है, एक चीज से दूसरी ओर, तब द एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी हर एक से दूसरी चीज जो है फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रांसीसी भाषा में बात करता रहा। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, और यह कहते हुए कि यह संसार की जो है सबसे ब्यूटिफुल सुंदर भाषा है। देखिए, ये इसमें फ्रांस का मानचित्र है, आप देख रहे होंगे, अपनी बुक में देखना इसको अच्छी तरह से। और नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 7। हाँ, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रांसीसी भाषा जो है संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई आदमी एनस्लेव हो जाता है, कोई व्यक्ति दास बन जाता है यानी गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक उसकी अपनी भाषा में पकड़ होती है, होल्ड फास्ट का मतलब अपनी भाषा को पकड़े रखता है वो, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये समझ लो कि उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कि जेल की चाबी उसके पास हो, यानी कोई कैदी अगर जेल में है तो उसके पास चाबी है, समझ लो, बाहर निकलने के लिए, तो उसी तरह भाषा जो है जेल की चाबी की तरह होती है ताकि उससे बाहर निकल सकोगे। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर खोला, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमको हमारा पाठ उन्होंने जो है पढ़ने को कहा। I was amazed to see how well I understood it. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख करके कि कितनी बढ़िया तरीके से मैं इसको समझ सका, कहता है। How well I understood it. इसे मैं कितने सुंदर तरीके से समझ सका। All he said seemed to say, और उसको ऐसा करते हुए प्रतीत हुआ, इतना easy तरीके से जो है लगा मेरे को, so easy, इतना सरल। I think to, और मैं भी सोचता हूं अभी भी, कहता है कि दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, कि मैंने कभी भी ध्यान से नहीं सुना।
एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उसने जो है उन्होंने, ऐसा भी मुझे लगा कि उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से कभी एक्सप्लेन नहीं किया, एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ हर चीज को. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत होता है, लगभग ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ मानो द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी सारी चीजें दे देना चाहता था आज हमको जाने से पहले जितना वो जानते थे. एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हैंड्स इन वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में वो सारी चीजें जो है हमारे इन टू हेड्स, हमारे सिर में, हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहते थे. हेड्स का मतलब यहां पर ब्रेन है. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमको हमारा जो है लिखने का पाठ शुरू हुआ. दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपी लाए हुए थे. रिटर्न इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, सुंदर गोल, सुंदर तरीके से, यानी लिखावट की भाषा में, राउंड हैंड का मतलब होता है लिखने की तरीके से, सुंदर लिखावट में. फ्रांस ऑल्सेस, फ्रांस ऑल्सेस, उसमें लिखा था फ्रांस ऑल्सेस, फ्रांस ऑल्सेस लिखा था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो ऐसे लगते थे स्कूल के कमरे में जैसे कि छोटे छोटे झंडे जो है, झंडियां, लिटिल फ्लैग्स का मतलब होता है झंडियां, फ्लोटिंग माने फ्लोटिंग कर रही है, फहर रही हूं, यानी तैर रही हूं, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप में जो है उनको लटका दिया गया था. यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए, कहता है. यू ओट टू हैव सीन, आपने देखना देख लिया होगा कि हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, यानी कौन किस तरह से सभी लोग जो है काम में लगे हुए थे. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी वहां पर शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल आवाज हो रही थी तो पेन से कागज में लिखने की, केवल जैसे खसखस की आवाज होती है वही आवाज हो रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार जो है कुछ पतंगे, बीटल्स का मतलब होता है पतंगे, फ्लू इन, अंदर को आए, उड़े. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया. लिटलेस्ट वंस माने एक एक ने भी जो है एक बार भी ध्यान नहीं दिया. वंस का मतलब एक ने भी, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु वर्कड, जो क्या कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, यानी मछली का जो कांटा होता है उसको बनाने में सब लगे हुए थे. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, ऐसे जैसे कि वो फ्रेंच है. टू, वो भी फ्रेंच है, कहता है. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत में जो है कबूतर बहुत धीमे धीमे कू कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे भी जर्मन भाषा में कू करेंगे अब. इवन द पिजन्स, यहां तक कि कबूतर भी क्या जर्मन भाषा में अपनी बोली बोलेंगे, यानी अपना गाना गाएंगे, जो भी है, यानी कू की जो आवाज है वो जर्मन में करेंगे. ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन आगे होगा, देखना, ये बोर्ड में कभी आता भी है इसमें. हाँ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स सेड फ्रेंच, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आता है ऐसे करके. वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, जब मैंने ऊपर को देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने से, यानी लिख करके मैंने ऊपर देखा, तो मैंने देखा कि एम हेमल जो है शांत तरीके से अपनी चेयर पर बैठा हुआ है, बैठे गुरुजी के लिए, कहा आपने एम हेमल के लिए. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और
पहले एक चीज को देख रहे हैं, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इट इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम। ऐसे देख रहे थे जैसे कि हर चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देना चाहते थे, रख लेना चाहते थे कि उस कमरे में जो जो चीजें हैं, छोटी सी छोटी चीज को भी वो अपने दिमाग में रख लेना चाहते, याद कर लेना चाहते थे कमरे की सारी चीजों को। फैंसी फॉर 40 years, हाँ कल्पनाओं में कहता है, कल्पना है, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, उन्होंने 40 वर्ष तक जो है एक ही स्थान पर काम किया था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो ऑफ हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, विद हिज गार्डन यानी उनके बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो खिड़की के बाहर जो बगीचा था उसके साथ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम और उनकी जो कक्षा उनकी जो सामने थी उस कक्षा के साथ उन्होंने 40 वर्ष तक काम किया था। आगे देखो इसको पूरा ही कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, और वहां पर जो है डेस्क और जो बेंच थे वो भी बहुत ही स्मूथ हो चुके थे क्योंकि बहुत पुराने थे। बच्चे जब बैठते हैं तो बहुत घिस करके एकदम क्या होता है, स्मूथ हो जाते हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट के पेड़ थे बगीचे में वो भी काफी ऊंचे हो गए थे। एंड द हॉफ वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉफ वाइन थी वहां पर उनको ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूम, तो वो कहां पहुंच गई थी, कहता हॉफ वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, वो हॉफ वाइन जो उन्होंने लगाया था, जो हॉफ वाइन उन्होंने लगाया था वो भी जो है कहां पहुंच गए थे, ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो जो है उसकी खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गए थे, खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गए थे, यानी लता खिड़कियों से लिपटे हुए छत तक पहुंच गई थी। लताएं, हॉफ पाइन का मतलब यहां पर लताएं से है, ध्यान रखिए आगे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यानी इन सब चीजों को छोड़ते हुए उनका दिल कैसे टूटा होगा, पुअर मैन बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और छत पर जो है संदूक में सामान बंद करते हुए इधर उधर चलते फिरते उनकी बहन की आवाज, कहता है ये पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्या किया, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर वाले कमरे में इधर उधर चलते हुए उनकी बहन, पैकिंग देयर ट्रंक्स, माने ट्रंक्स का मतलब जो बड़े बक्से होते हैं उनको कहते हैं ट्रंक्स, बड़े बक्सों में जो है सामान को रखते भी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन जो है उनको उस देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु उनमें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री में पाठ शुरू हुआ, एंड देन द बेबीज चैंटेड, और तब जो है बेबीज जो बच्चे क्या करने लगे, चैंटेड करने लगे, बच्चों ने जो है गाया, क्या बा बे बी बो बू, इस तरह फ्रेंच लैंग्वेज में है ये, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, तो कमरे में जो है पीछे की ओर वृद्ध जो हॉसर थे उन्होंने अपना चश्मा लगाया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से अपना जो प्राइमरी की किताब पकड़ी यानी प्रारंभिक कक्षाओं की, स्पेल्ड द लेटर्स विद्यम, और उनके साथ जो है उन अक्षरों को जो है स्पेल किया, बोलने लगे, याद करने लगे, रिपीट करने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं, आप देख सकते थे कि वह भी चीख रहे थे, क्राइंग मीन्स चीख रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन,
भावुकता में उनकी आवाज कांप रही थी। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता कांपना। एंड ही वॉज सो फनी टू हियर हिम, और इस प्रकार जो है अजीब लग रहा था, फनी का मतलब विचित्र लग रहा था, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब उनकी बातों पर, उनका बोलना सुनकर के इतना अजीब लग रहा था कि हम हंसना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कितनी अच्छी तरह आज हम इस पार्ट को जो है आज मैं याद करता हूं, कहता है। दैट लास्ट लेसन, उस अंतिम पार्ट को, यानी वह अंतिम पार्ट मुझे कितनी अच्छी तरह याद करता हूं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस, उसी समय, तभी एकाएक, ऑल एट वंस का मतलब तभी एकाएक, किसकी, क्या हुआ, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजाई। देन द एंजेलिस, और उसके बाद प्रार्थना शुरू हुई, प्रार्थना की आवाज, एंजेलिस माने होता है प्रार्थना की आवाज आई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, और उसी समय, सेम मोमेंट मीन्स उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, प्रूशियंस के जो पिगल थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी परेड करके वापस आ, ड्रिल करके वापस आते हुए, साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे आवाज करने लगे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल उठ गया, वेरी पेल, बहुत ही एकदम पीला फीका पड़ गया था। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, इतना लंबा आज तक मैंने कभी उनको नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, कुछ कहना चाहते थे कि मैं कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन किसी चीज ने उनके गले को रोध दिया, मतलब बंद हो गया गला। समथिंग चोक्ड हिम, यानी किसी चीज ने उनके गले में अवरोध पैदा कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सका। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो रिटर्न ब्लैक बोर्ड की ओर लौटे, टुक अ पीस ऑफ चौक, और एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड ब्रीथिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और जितनी ताकत से वो लिख सकते थे, पूरी ताकत से उन्होंने जो है क्या किया, चौक का टुकड़ा लिया और पूरे जोर लगाते हुए, ऑन विद ऑल हिज माइट, जितनी ताकत थी उनकी उतना जोर लगाते हुए उन्होंने लिखा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा लिखा जितना वो लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, कहा फ्रांस जीवित रहे, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। ये फ्रेंसीसी लैंग्वेज है बच्चों, फ्रेंच लैंग्वेज है, वाइव ला फ्रांस, हिंदी में कहते हैं फ्रांस जिंदाबाद या अमर रहे, और इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, याद रखिए। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्नड, सॉरी लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुके और अपना सिर उन्होंने दीवार की ओर झुकाया। लीन्ड का मतलब झुकाया, अगेंस्ट द वॉल माने दीवार के अगेंस्ट, दीवार की ओर। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने जेस्चर किया हाव भाव से, टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथों से उन्होंने अपना इशारा किया। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, हाव भाव करने को जेस्चर कहते हैं। स्कूल इज, कहा कि स्कूल इज डिसमिस, अपना हाथ हिलाया, स्कूल डिसमिस हो गया है, यू मे गो, यानी स्कूल भंग किया जाता है और आप जा सकते हैं। तो अब बच्चों, इसमें बॉक्स में देखिए क्वेश्चन दिए हैं, ये बॉक्स के क्वेश्चन हैं, इसी तरह और भी इस बॉक्स में यहाँ पर भी दिए हैं, और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन जो है, अब लेसन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यस, अभी बताया था मैंने कि फ्रेंच स्पीक, फ्रेंच थिंग्स, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। ये क्वेश्चन जो है, आप लॉन्ग क्वेश्चन इसको कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और बाकी बॉक्स के क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, और इसके बाद जो है मैं आपको इंग्लिश में समरी बता दूंगा, और फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन होगा, तो इस तरह से इसमें हमें जल्दी से हो जाएगा। तो बच्चों, एक मैं आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप मेहनत से पढ़ें,
और सीखें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं पूरा जो है आपका ये वीडियो बना सकूं और एक एक लाइन इस बुक की जो है आपकी समझ में क्लियर आ सके। इसके मीनिंग्स जो मैंने बताए पढ़ाते समय, उन मीनिंग्स को पॉज करते हुए आप नोट करते जाना, ताकि मीनिंग्स वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाए। ओके, थैंक यू।